सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और इस बार हम फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि अवेयरनेस से रिलेटेड है, जो कि एनडीआरएफ से रिलेटेड है। आजकल एनडीआरएफ की बहुत चर्चा में है क्योंकि केरल में जो स्थिति इस समय बनी हुई है उसमें एनडीआरएफ ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है राहत एवं बचाव कार्यों में। तो आज इसलिए हम चर्चा करेंगे एनडीआरएफ की। एनडीआरएफ मींस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। भारत को एनडीआरएफ के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब कुछ वर्षों पूर्व गुजरात में और जो सुनामी जो भारत में आई थी 2004 में, इन बातों को ध्यान में रखकर भारत को आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे पास भी एक आपदा प्रबंधन से संबंधित एक बल होना चाहिए, एक फोर्स होनी चाहिए जो कि इन विषम परिस्थितियों में सहायता कर सके। तो भारत ने एनडीआरएफ का गठन किया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में जो आपदाएं आती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो मानव निर्मित आपदाएं हैं, उनके दौरान विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया के उद्देश्य से विशेष प्रकार के राहत एवं बचाव कार्यों को ध्यान में रखकर इसका गठन किया गया था। वर्तमान में एनडीआरएफ में 12 बटालियन हैं, जिनमें बीएसएफ और सीआरपीएफ से 3-3, CISF, SSB और ITBP से 2-2 बटालियन है। अब आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ किस तरीके से भूमिका अदा करता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, हम जानते हैं। एक मानव अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपदाओं को नियंत्रण देता है, यानी कि मानव जनित आपदाएं, और दूसरा प्राकृतिक आपदाएं जिस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। अब इन आपदाओं के दौरान विशेष प्रतिक्रिया उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि विशेष प्रतिक्रिया से मतलब ये है कि किस तरीके से आपदा के जो नुकसान है उनको कम किया जा सकता है, जानमाल की हानि को रोका जा सकता है, और कैसे राहत और बचाव कार्यों का सफलतापूर्वक प्रभावी तरीके से निष्पादन किया जा सकता है। अब आपदाओं के दौरान जो राहत कार्य चलाए जाते हैं उनमें अधिकारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए उन अधिकारियों को अपनी भूमिका के निर्वहन में योगदान प्रदान करता है एनडीआरएफ। इनकी तैनाती संभावित आपदाओं के दौरान भी की जाती है, लेकिन एनडीआरएफ में सीधी भर्तियां नहीं होती हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर इनका जो बटालियन है वो तैयार की जाती है। आपदा और राहत बचाव कार्यों आपदा में बचाव और राहत कार्यों के दौरान कई एजेंसियां साथ में काम करती हैं, जिनके साथ मिलकर एनडीआरएफ बचाव और राहत कार्य को पूर्णता प्रदान करता है। एनडीआरएफ से संबंधित विशेष बिंदु, एनडीआरएफ की सभी बटालियन तकनीकी दक्षता से युक्त हैं, यानी कि इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉग स्क्वाड्स भी हैं, तो हर प्रकार के अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसका हिस्सा हैं। और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के साथ साथ ये बल अपनी चार टुकड़ियों के माध्यम से रेडियोलॉजिकल, जैविक, नाभिकीय, रासायनिक आपदाओं से निपटने में भी सक्षम है, यानी कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी ट्रेनिंग है कि ये इन प्रकार की आपदाओं से भी निपट सकते हैं। वर्तमान में एनडीआरएफ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है। एनडीआरएफ समय समय पर जो लोकल लोग होते हैं उन लोगों को भी प्रशिक्षित करता रहता है कि किस प्रकार से आपदा के समय व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं कैसे कर सकता है और साथ ही लोगों की सहायता कैसे कर सकता है। इस संबंध में भी एनडीआरएफ लोकल लोगों को ट्रेंड करता रहता है। एनडीआरएफ ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें जापान सुनामी जो 2011 में आई थी, नेपाल का भूकंप जो कि 2015 में आया था, और वर्तमान में जो केरल की स्थिति है उसमें जो एनडीआरएफ का कार्य है वो बहुत ही उल्लेखनीय है, सराहनीय है। और
इसके अलावा पूर्व में भी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार कोसी नदी बाढ़ जो कि 2018 में, जम्मू और कश्मीर बाढ़ 2014 में और चेन्नई बाढ़ 2015 में एनडीआरएफ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने दायित्वों का संपूर्णता से निर्वहन किया और साथ ही लोगों के जान माल के जितना कम से कम नुकसान हो सकता था उसकी ओर उसने विशेष ध्यान दिया और समन्वय के साथ जो वहां पर आपदा और प्रबंधन के या राहत कार्यों में जो अन्य एजेंसियां लगी हुई थी उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाकर बड़े स्तर पर राहत कार्यों को चलाया। वर्तमान में केरल में एनडीआरएफ की भूमिका बहुत ही उल्लेखनीय है। तो बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है आज के दृष्टि से, तो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए चर्चा बिंदु के साथ, तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।